दोस्तों बीते चार वर्षों में भारत की न्यूजीलैंड के साथ चौथी T20 सीरीज है। पिछले तीनों सीरीज में भारत ने बिना कोई मैच गवाए जीती है। इस बार परिस्थितियां अलग है। मेहमान टीम पहला मैच जीत चुकी है और लखनऊ में हार्दिक पांड्या की टीम ने बामुश्किल 100 के लक्ष्य को छूकर सीरीज 1-1 से बराबर की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी में बुधवार को टीम इंडिया के सामने न्यूजीलैंड से लगातार चौथी T20 सीरीज जीतने की चुनौती रहेगी। रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल जैसे वरिष्ठ क्रिकेटरों की अनुपस्थिति में टीम इंडिया का युवा उच्चक्रम पिछले दोनों मैचों में अपनी छाप नहीं छोड़ पाया है। ईशान किशन, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी तीनों रन नहीं बना पाए। ईशान बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाने के बाद अब तक नहीं चले। गिल यहां अपनी वनडे सीरीज की फॉर्म की छाप नहीं छोड़ पाए। वही त्रिपाठी विराट के नंबर 3 की जगह कोई कमाल नहीं दिखा पाए। लखनऊ में अगर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने मोर्चा नहीं संभाला होता तो भारत का 100 रन के लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में पृथ्वी शॉ को टीम इंडिया में शामिल किया जा सकता है। मैच के बाद भारतीय टीम को लंबे समय तक T20 नहीं खेलना है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज है। साथ ही इस साल अक्टूबर में होने वाले वनडे विश्व कप की तैयारियां परवाना चढ़ेगी। ऐसे में भारतीय युवा ब्रिगेड के पास क्रिकेट इस प्रारूप में अपनी प्रतिभा दिखाने का यह सुनहरा मौका होगा। रांची और लखनऊ में हुए मैचों में परिणाम से ज्यादा ताकि स्पिन पिचों ने सुर्खियां पाई है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पिच पर तो जमकर बवाल मचा, जिसकी कीमत यहां के क्यूरेटर को चुकानी पड़ी है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने यहां नया क्यूरेटर लगाने और नई पिचें बनवाने की घोषणा कर दी है। 2 साल पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए अंतिम T20 में 200 से ज्यादा रन बने थे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पिछले 2 मैचों के मुकाबले यहां बल्लेबाजों को एक बार फिर रन बनाने का मौका मिलेगा। वही न्यूजीलैंड को भी मालूम है कि वो सीरीज जीत सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके मध्यक्रम को जिम्मेदारी लेनी होगी। खतरनाक ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन और वनडे सीरीज में अविश्वसनीय शतकीय पारी खेलने वाले माइकल ब्रेसवेल को इस मुकाबले में जिम्मेदारी लेनी होगी। कप्तान मिशेल सैटनर पिछले दोनों मैचों में भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें पैदा करते रहे। दोस्तों इस मुकाबले के दौरान अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जीतने वाली 15 सदस्यीय भारतीय टीम को BCCI ने विशेष रूप से आमंत्रित किया है। मैच से पहले क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर शेफाली वर्मा की टीम को सम्मानित करेंगे। इस दौरान बोर्ड सचिव जय शाह भी मौजूद रहेंगे। भारतीय टीम और वो सब पूरा मुकाबला देखेंगे। तो दोनों टीम्स के संभावित प्लेइंग 11 आपको बता दें। शुभमन गिल, ईशान किशन दोनों में से किसी एक की जगह पृथ्वी शॉ को मौका मिलेगा। वही राहुल त्रिपाठी, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम मावी और युजी चहल की जगह उमरान को जगह मिल सकती है और अंतिम एकादश में अर्षदीप की जगह भी है। न्यूजीलैंड की टीम में कोई बदलाव नहीं होंगे। फिल एलन, डेविन कॉनवे, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, डेरल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैटनर, ईश सोदी, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, टिकनर। तो दोस्तों आज का मैच कौन जीतेगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। So take care guys, keep watching another videos. Thank you.